मैं दधीच कुमार पांडे, राधा कृष्णा हनुमान मंदिर गुड़पुर में अभी हम आप सभी लोग विद्यमान हैं। ये अलीपुर के पास पड़ता है। सर, जैसे कल जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो आज मंदिरों में तैयारी हो, किस तरह की तैयारी हो रही है? और बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवान जी का कल जन्मोत्सव है, इसलिए जो है सभी पूरे विश्व में, एक मंदिर में नहीं प्रिय भक्तों, पूरे विश्व में हमारे कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए एक दिन पहले से ही सारी तैयारियाँ की जाती हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ अभी लाइट का काम चल रहा है, फूल बंगला की तैयारी की जा रही है, साथ में हमारे कृष्ण भगवान जी का और राधा रानी जी के वस्त्र और श्रृंगार का कार्य किया जा रहा है। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, इस संसार में जो कुछ भी है योग राज कृष्ण भगवान की कृपा से ही है, और जो कुछ भी मनोकामना, जो भी श्रद्धा के साथ कल हमारे कृष्ण भगवान का पूजन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र लग गया है और अष्टमी भी इस समय प्रारंभ हो चुकी है, और कल जो है 7:20 तक रहेगा, इसलिए उदया तिथि में मनाया जाता है। पंडित जी, कल व्रत है, मतलब क्या कुछ विशेष है, ये क्या कुछ खाया जाता है, किस टाइम कैसे क्या है, बताइए। देखिए, निराहार रह करके हमारे कृष्ण भगवान योगेश्वर हैं, क्योंकि योग माया के प्रबल होने पर उन्होंने जन्म लिया, जन्म क्या प्रकट हुए हैं इस संसार में, प्रकट होने से उन्होंने बहुत सारी योग लीलाएं की, इसलिए योगेश्वर भी उनको कहते हैं। जो भी भक्त निराहार रह करके निर्जला व्रत करता है, साथ में 12 बजने के बाद, रात्रि 12 बजे हमारे कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, उसके बाद चंद्रमा को देख करके, अर्घ दे करके भक्त जो है श्रद्धा के साथ अपना जलपान करें, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।